गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है कुलबी बंदा। तो बताते हैं आपको आज की वीडियो के बारे में सीधे। तो आज जा रहा हूँ मैं मनाली। अब मनाली क्यों जा रहा हूँ? मनाली इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेला है वहाँ पर, क्योंकि जो माता हडिम्बा माता जी है उनका जन्म दिवस एक हिसाब से बोल सकते हैं उस दिन प्रकट हुई थी माता हडिम्बा जी। तो वहाँ जा रहा हूँ मेले को, देखो दिखाते हैं आपको माता रानी के बारे में। वहाँ पर आए घटोत्कच भगवान जी भी दर्शन कराएंगे आपको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सीधे अब मनाली में। तब तक के लिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ मनाली डुंगरी माता मंदिर, हडिम्बा माता मंदिर आपको देख सकते हैं सामने पे। तो मैं आया हूँ पीछे के रास्ते से ओल्ड मनाली होके। तो ऐसे तो आगे से आते हैं फ्रंट होके जो पौड़ियाँ आती हैं, पर मैं पीछे होकर जो ओल्ड मनाली का रास्ता है वहाँ होके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मौसम साफ़ है, धूप खिली हुई है, और जो मंदिर है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और जैसे लगता मानो हर बार आता हूँ ऐसा लगता है जैसे पहली बार आया हूँ, इतना अच्छा फील होता है यहाँ आके। तो आप देख सकते हैं ये लकड़ी की सारा मंदिर बना हुआ लकड़ी के उस पर, और देख सकते हैं लकड़ी कोई भी लकड़ी ख़राब नहीं हुई। बारिश बर्फ़ यहाँ पर बहुत पड़ती है, पर देखिए माता की जो शक्ति है मंदिर को भी बिल्कुल कुछ भी नष्ट, कोई भी इसमें कोई स्क्रैच नहीं आता है बारिश से ना बर्फ़ से। मंदिर वैसा का वैसा ही जस का तस खड़ा है और युगो युगो तक खड़ा रहेगा। तो आप देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है, सभी भक्तों को माता हडिम्बा जी के जन्मदिवस की शुभकामनाएं। तो सबको शायद पता नहीं होगा कि इस दिन जो माता हडिम्बा जी है वो प्रकट हुई थी। एक हिसाब से बोल सकते हैं कि जन्म हुआ था, अगर आप जन्मदिवस के हिसाब से बोलेंगे तो जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जो मंदिर का जो पूरा सर्कल है उसमें पूरे शाम की तरह बनी हुई है ये भक्तों की लाइन, और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जो जहाँ से मैं आया ओल्ड मनाली होके उस साइड पर लाइन जा रही है। तो हम तो दर्शन तभी करेंगे जब जो माता रानी बाहर आएंगे तब दर्शन करेंगे, तो क्योंकि कुछ देर बाद माता रानी और घटोत्कच भगवान जी बाहर आने वाले हैं। तो मंदिर की जो आप सुंदरता है इन फूलों से भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं सुंदर फूल हैं और साथ में खिले खिले फूल और माता हडिम्बा जी का मंदिर बहुत ही सुंदर। और मेला है तो मेले की जो सारी दुकानें हैं वो आप देख सकते हैं लगी हुई है, लोग जो टूरिस्ट बाहर से आए हुए हैं सारे यहाँ पर एंजॉय और मज़ा ले रहे हैं क्योंकि सब कुछ है इस मेले में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ देर बाद माता रानी और घटोत्कच भगवान जी बाहर आएंगे। तो आप देख सकते हैं वाद्य यंत्रों के साथ जो देवड़ू है वो वाद्य यंत्र को बजाते हुए, ढोल को बजाते हुए, और कुछ देर बाद जो गणेश घटोत्कच भगवान सबसे पहले बाहर आएंगे। तो आप देख सकते हैं भक्तों का तांता फोन लेके सब वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इस जो मोमेंट को कोई भी खोना नहीं चाहता है, सब कैप्चर करके अपने घर वालों और अपने बुज़ुर्गों को दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं जो घटोत्कच भगवान का जो छत्र है सोने का वो आप देख सकते हैं बाहर निकाल दिया गया है, हाथ में है भक्त के हाथ में। तो जो देवड़ू है जो घटोत्कच भगवान के देवड़ू है उनके हाथ में आप देख सकते हैं उनका छत्र। और अब घटोत्कच भगवान बाहर आते हुए, और देखिए बाहर आ चुके हैं हमारे घटोत्कच भगवान जी। तो माता रानी हडिम्बा जी भी बाहर आते हुए, माँ आप देख सकते हैं माँ ने अपने कदम बाहर रख चुके हैं और सारे भक्त देख रहे हैं और जय जयकारा लगा रहे हैं क्योंकि माता रानी बाहर आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो माता रानी के रथ पे आप देख सकते हैं छत्र लगा रहे हैं सोने का, और अभी इसके लगाना बहुत ही थोड़ा कठिन होता है, पर जो इस कार्य में जो आगे होते हैं जिनको आता है वही लगाते हैं इसको, क्योंकि पक्का बांधना पड़ता है, पक्का लगाना पड़ता है ये ताकि गिरे ना।
तो आप देख सकते हैं जो घटोत्कच भगवान को उठाने के लिए जो पालकी होती है जिसके ऊपर सारा वजन होता है, जो ये आप देख सकते हैं बल्लियाँ हैं एक प्रकार की, एक जो लकड़ियाँ हैं बाँस की, तो दो है आप देख सकते हैं, दोनों लगेंगी। अब आपके सामने ही लगाई जाएंगी, पर भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है तो देख नहीं पाएंगे, तो लगाई जाती है जिससे भक्त अपने कंधों पर उठा सके। अब इनको लगाया जाएगा। अब हमारी भाषा में तो इसको आगड़ी बोलते हैं, अब आगे नहीं पता कि आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारी भाषा में तो इसको आगड़ी बोलते हैं। तो बस अब लगाने ही वाले हैं इनको, तो कुछ देर बाद लगा के, बस कुछ ही देर में लगा के कंधे पे उठा दिया जाएगी घटोत्कच भगवान को, और फिर चलेंगे आगे घटोत्कच भगवान के मंदिर को। तो अब सब आप वीडियो देखिए, अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, और मिलते हैं लास्ट में।
ये थी वीडियो डुंगरी माता मंदिर हडीमा माता जी और घटोत्कच भगवान जी की मेले की। कैसी लगी आपको वीडियो, आपने अपने दर्शन किए माता हडीमा जी के और घटोत्कच भगवान के, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और माता रानी की जय ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तो तब तक अपना प्यार बनाए रखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय माता दी।